मैं जितने भी संघ में गई तो मैं सबके वहां पर शायद एक ही चीज छोड़ के आई थी। सब लोग मुझे पूछते थे कि नेहा दीदी आपको वैराग्य कैसे आया, आपके भाव कैसे हुए। शायद किसी को पता चल गया कि मेरे 9 साल का स्ट्रगल था, 9 साल का वैराग्य काल था, तो उनकी क्यूरियोसिटी थी ना वो इतनी बढ़ गई। तो मैंने हर जगह पे एक ही चीज़ बोली, मैं सिर्फ हिंट देकर जा रही हूँ, जिसको सुनना है वो मेरे विदाई के स्पीच में आना, मैं पूरी विस्तार से स्टोरी बताऊंगी, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मुझे वैराग्य कैसे हुआ। जिसकी मुझे 9 साल से इंतजार था, जिसके लिए मैं 9 साल से तड़प रही थी, ऐसा संयम जीवन, ऐसा शुद्ध संयम जीवन कल मुझे मिलने वाला है। तो आप सोचो कि जो 9 साल का मेरा स्ट्रगल था, अब शायद 9 घंटे ही बाकी है, 12 बज रहे लगभग, 9:30 बजे मुझे रजोहरण मिल जाएगा, तो मेरी आनंद का क्या क्या सीमा होगी। मैं नाच रही हूँ, कूद रही हूँ सबके सामने, वो तो मेरी बाह्य आनंद दिखा रही हूँ मैं सबको, पर मेरा आंतरिक आनंद तो मेरे प्रभु और गुरु ही जानते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है, ये क्या करने वाली है, ये सिर्फ मेरे प्रभु और गुरु ही जानते हैं। संयम याने वितराग के पथ पर चलने का वैल्यूएबल वारिस। पापों का अंत करने वाला है ये संयम। मोक्ष पथ पर प्रयाण करने का हाईवे है संयम। और पापों का विनाश करने वाला है ये संयम। पंचम गति का प्लैनेट है संयम, प्लैनेट है संयम, वो संयम जीवन कल मुझे मिलने वाला है। सब लोगों को वैराग्य के बारे में जानना है, तो पहले वैराग्य के बारे में बताओ या प्रभु के बारे में बताओ, आप लोगों की जो डिमांड होगी वो पूरी होगी। तो वैराग्य तो प्रभु थे इसलिए वैराग्य आया, तो पहले तो प्रभु के बारे में जानना जरूरी है कि प्रभु क्या थे। प्रभु की भक्ति करते करते जो आनंद आता है, जो अट्रैक्शन, जो कनेक्शन प्रभु के साथ होता है ना, तब जाके वैराग्य बढ़ता है। बहुत लोगों की स्टोरी होती है कि एक प्रवचन सुन लिया, खड़े हो गए, पचकान ले लिए, वैसी स्टोरी मेरी नहीं थी। मेरे प्रभु क्या थे, हमारे प्रभु क्या थे, वो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। बहुत सारे भगवान होते, मैं नहीं बोल रही दूसरे भगवान मिथ्यात्व देवी देवता के बारे में, गलत कुछ नहीं बोलना है, पर आई एम द बेस्ट, मेरी पूजा करो, मेरी अर्चना करो, मेरी भक्ति करो, पर जो हमारे तीर्थंकर परमात्मा है ना, वो खुले आम समोह शरण में बैठकर अपने पापों का इकरार करते हैं कि हे जीव, मैंने ऐसे ऐसे पाप किए, इसलिए मुझे इतने भवों की भ्रमणा करना पड़ी, इतने भव चक्र में घूम कर आया हूँ, और आज भले ही मैं तीर्थंकर सिद्ध परमात्मा बन चुका हूँ, पर बहुत सारे भव कर उनको भी, तीर्थंकर परमात्मा को भी उनका लास्ट भव ऐसे मिला है, जैसे महावीर भगवान जी के 27 भव, ऐसे हर भगवान के भव हुए हैं। तो प्रभु इतने कल्याणकारी है, करुणाकारी है, कि वो हम लोगों को एक ही चीज़ बताते हैं कि हे जीव, जो पाप मैंने किए वो पाप तू मत कर, जो वेदना मुझे सहन करनी पड़ी वो तू मत कर। प्रभु हमें कभी नहीं कहते कि आई एम द बेस्ट, मैं ही सच्चा हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी अर्चना करो, मेरी भक्ति करो, मुझे इतने द्रव्य चढ़ाओ, ऐसा करो, ऐसे कभी हमारे परमात्मा ने कहा है हमको? नहीं कहा है। पर प्रभु की भक्ति करते करते जो वैराग्य की सीमा बढ़ती गई मेरी,
मेरी वैराग्य आने का एक सबसे बड़ा कारण है प्रभु भक्ति। कुछ साल पहले, अप्रॉक्स 9 साल पहले, एक साध्वी जी मारसा अक्कल को हमें पधारना हुआ। मेरी लाइफ भी ऐसी थी, फुल मस्ती मौज वगैरह। भैया ने आपको सब बताया ही दिया है कि मेरी लाइफ क्या थी। 10th की एग्जाम चल रही थी, उस 1.5 महीने के पीरियड में बहुत सारी मूवीज रिलीज हुई थी, मैंने सब डाउनलोड करके तो रख दी थी। और टारगेट एक ही था कि जिस दिन एग्जाम कंप्लीट होगी, 1 दिन में 3 मूवी देखकर मुझे ये कंप्लीट करनी है सब मूवी। तो 1-2 दिन तक मेरा चल रहा था, आज इतनी देखी, आज इतनी देखी। तो दादी जी जब मेरे थे, तो दादी जी ने ऐसे ही पापा को बोला कि दिन भर लैपटॉप में ही लगी रहती है, कुछ काम धंधे है नहीं, ना स्कूल, ना मंदिर जाती है, ना मारसा के पास जाती, ना व्याख्यान जाती है, कुछ भी नहीं, बस दिन भर वो ठिकरो लेने बैठ जावे। ये उनका डायलॉग था। तो पापा मेरे पास आए कि एक मारसा अक्कल अपने यहाँ पर आए हुए हैं, तू जा से वंदन तो करके आ जा। क्योंकि मेरी इच्छा थी नासिक जाके पढ़ाई करने की, और पापा की इच्छा नहीं थी भेजने की। तो पापा को ऐसा लगा कि वो साध्वी जी मारसा मेरे को समझा देंगे, तो मैं नहीं जाऊँगी। तो इनकी बात पहले ही हो चुकी थी कि क्या करना है, कि ये आएगी तो क्या बोलना है। मैं गई, वंदन किए मारसा को, और मारसा ने पूछा आगे का क्या है। मेरी बस कुछ नहीं, 10th हो गई है, और कॉन्फिडेंस है कि 90+ परसेंटेज आने वाले हैं, क्योंकि इतना लिखा था परसेंट। तो उन्होंने मुझे बताया कि तू बाहर जाकर पढ़ के क्या करेगी, जो धर्म हम लोग घर में रहकर कर सकते हैं ना, वो बाहर जाकर नहीं कर सकते। और बस उतने में ही पापा का आना हुआ। मुझे नहीं पता इन दोनों के बीच में क्या बात हुई थी, पर उस टाइम पर उन्होंने बताया कि नरेश भाई कुछ भी हो जाए, इसको नासिक नहीं भेजना है। मुझे आया गुस्सा, मैं तुरंत वहाँ से उठी और घर चली गई। पापा को शायद नहीं समझी वो चीज़, शायद होगा कुछ काम, चली गई। फिर पापा ने मुझे घर पर आकर पूछा सबने कि मारसा कैसे लगे अच्छे। मैंने बोला आज भेजा है, इसके आगे मत भेजना। मैं तो कोई जाने वाली नहीं, ये आपको भी भड़का रहे और मुझे भी भड़का रहे कि नहीं जाना। इनको क्या पता, इतनी छोटी उम्र में दीक्षा तो ले ली, तो इनको क्या पता कि बाहर जाकर क्या होता है। मुझे मेरी लाइफ है, मुझे मेरे हिसाब से जीनी है। वो हुआ, पर आगे कुछ बहुत दिन उनका रहना वहाँ पर हुआ। तो मेरी बड़ी बहन मोनिका दीदी वहाँ पर जाती थी, उसको बहुत लगाव था ये सब चीज़ों से, स्तुति स्तवन वगैरह सीखना। तो उसने बोला कि मारसा स्तुति की क्लास ले दे, अपन भी जाएंगे। मुझे ठीक है चले थे। स्तुति स्तवन सीखते गए, रोज़ प्रभु भक्ति करवाते थे। तो धीरे धीरे वो उससे लगाव होने लगा। जाने से पहले उन्होंने मुझे पचकान दिए कि अब रात्रि भोजन नहीं करना है, जमीन कर नहीं खाना है। पता नहीं क्या हुआ, मैं उनको क्रॉस क्वेश्चन कर ही नहीं पाई। उन्होंने कहा मैं जब तक नहीं मिलूंगी, जब तक दर्शन नहीं होंगे, तब तक ये पालना है। और मैंने लाइफ टाइम के लिए वो पचकान ले लिए। उसके बाद कभी जमीन कर नहीं, कभी रात्रि भोजन नहीं, ये बात उनको नहीं पता थी। थोड़े दिन बाद उनको पता चली कि इसने ऐसे पचकान ले लिए हैं। तब उन्होंने मुझे समर्पण की डेफिनेशन सिखाई कि तू जो कर रही है ना, बिना सोचे समझे, ना हम लोग की जान पहचान कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना समर्पण भाव। मैंने बोलता मारसा समर्पण वगैरह तो कुछ समझ में आता नहीं है, सब दिमाग के ऊपर की बातें हैं, पर आपने बोला इसमें पाप है तो मैं करूँगी। उस टाइम पे मैं 16 ईयर्स की थी। तो बस मारसा का विहार था, मारसा ने पूछा क्या गिफ्ट देगी। मैंने बोला मैं 16 साल की हूँ, 16 गिफ्ट मैं आपको देती हूँ, और ये 16 गिफ्ट लाइफ टाइम के लिए मेरे आजीवन आचरण में रहेंगे। उसके बाद से अभी तक की जो मेरी लाइफ, लगभग उसके बाद से 7 साल तक, उन्होंने गाइडलाइन देकर हर छोटी चीज़, भाई नासिक गई है बिगड़ के ना आ जाए, रॉन्ग ट्रैक पे ना चले जाए, इसके लिए मेरा कांटेक्ट कम, मैं कम करती थी थोड़ी, मैं रजबस गई थी वहाँ पर,
तो कुछ थोड़े महीनों बाद उनका मुझे फ़ोन आता है वहाँ से एक लड़की दीदी का कि गुरुजी का मैसेज है कि आप बहुत दिन से कांटेक्ट में नहीं हो, क्या हुआ? तो मेरी बातों से उनको समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो साध्वी जी हमारे साथ फ़ोन पे तो नहीं बात कर सकते, फिर उन्होंने लेटर द्वारा संपर्क किया और कंटिन्यू कनेक्ट रहे मेरे से। उन्होंने अगर वो नहीं किया होता ना उस टाइम पे, तो शायद मैं भी आज रॉन्ग ट्रैक पे ही होती। उनके अनंत अनंत उपकार है मेरे ऊपर कि वो मेरे लाइफ में आए, वो निमित्त बने। उस टाइम मेरा उपादान होगा शायद, इसलिए जो लड़की मंदिर भी नहीं जाती थी उसके दीक्षा के भाव हुए। दीक्षा के भाव तो हो गए, पर दीक्षा के भाव होने के लिए, संयम लेने के लिए गुरुकुलवास की बहुत ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पर मेरे लाइफ में एक ट्विस्ट आया, संयम के भाव पक्के हो गए, अब करना क्या है, किसके पास जाना है, क्या करूं? बस उसी टाइम पे मेरे पापा का रायपुर जाना हुआ और पापा ने कहा कि वहाँ पर अपने प्रज्ञाश्री जी मारसा है, तो थोड़े दिन उनके साथ में विहार में रहे, देखो कैसा लगता है देखते हैं, फिर आगे की बात आगे। मैं बोली ठीक है, इच्छा है आपकी, हर इच्छा पूरी की है। मुझे पता था मेरी ये जो एक इच्छा है बहुत बड़ी है, उनको पूरी करनी पड़ेगी, इसके लिए उनकी छोटी छोटी इच्छाएं मैं पूरी करती थी। तो मैं उनके साथ चली तो गई पर मेरा मन ही नहीं लग रहा था यार, मैं कहाँ आ गई। पापा ने बोल के भेजा था कि जा रही है पर 15 दिन तक मुझे फ़ोन मत करना कि लेने आओ। मैंने तो दूसरे दिन फ़ोन कर दिया कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे को आप लेके जाओ यहाँ से। पापा ने बोला अभी थोड़े दिन रुक, फिर देखता हूँ मैं क्या होता है। अभी पहले दिन है, कहीं भी जाते हैं नया नया मन नहीं लगता है। मैंने कहा ठीक है वो भी करके देख लेती हूँ। और बोलते हैं ना कि जब ऐसे चीज़ें होती ना तो कर्म भी हमारी एग्जाम्स लेती है। मैं चली तो गई मारसा के पास, पर उनके ग्रुप में जो मारसा के साथ मेरी बॉन्डिंग थी, थोड़ा बहुत कुछ बातचीत मैं उनसे करती थी, बाकी मारसा से मेरा इतना संपर्क नहीं था। वो मारसा बीमार हो गए और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मैंने बोला अब तो सोने पे सुहागा है, अब पापा को फ़ोन कर दो कि आपने बोला था थोड़े दिन रहे, अच्छा नहीं लगेगा तो चले जाना। मैंने बोला मैं वो मारसा, बड़े मारसा को तो मैं जानती हूँ, पर बड़े मारसा इतने कामों में व्यस्त रहते हैं तो मैं कैसे उनसे बात करूँ, बाकी मारसा से करूँ नहीं करूँ समझ नहीं पड़ रहा था। और जो साध्वी जी मारसा से मैं बातचीत करती थी वो बीमार है, तो मैंने बोला कि मुझे अभी घर पर लेके जाओ। पर उस टाइम पापा ने जो रोका मुझे, उसी का आज नतीजा है कि मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ। वो जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तब मैंने उनके ग्रुप की एक खास चीज देखी। बड़े मारसा से लेकर छोटे मारसा तक, वो छोटे थे मतलब उनके नीचे दो थाना और है, सभी बड़े मारसा का व्यावच का करने का तरीका, वो छोटे हैं फिर भी हर छोटी छोटी चीज़ का उनका ध्यान रखना, उनकी केयर करना, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्रिया क्या कर रहे, क्या चल रही है, हर चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा। बड़े मारसा की एक आदत है, वो कितने भी बिजी हो पर उनको आधा घंटा स्वाध्याय करवाना है मतलब करवाना है। कितने भी बड़े प्रसंग हो, प्रतिष्ठा हो, दीक्षा हो, कैसे भी हो, पर उनका स्वाध्याय करवाना मतलब करवाना, ये फिक्स है कोई भी टाइम हो जाए। तो जब मारसा बीमार थे ना तो एक रूम में उनको रखा था हमने, मारसा रूम में जाकर उनको स्वाध्याय करवाते थे, इतने स्वाध्याय प्रेमी थे वो। बस मुझे वो एक चीज़ उनकी सुबह से लेकर रात तक सोए तब तक हर एक क्रिया साथ में करनी, हर एक चीज़ साथ में, कोई चीज़ कोई साध्वी जी मारसा को लेट भी हो रहा है ना तो वो सभी मारसा उनके लिए वेट करेंगे, पर हर क्रिया साथ में ही करनी है। बस ये जो दो तीन चीज़ें थी, मैं उन चीज़ों पर अट्रैक्ट हो गई। दीक्षा के लेने के भाव थे, सद्गुरु की खोज थी और वो वहाँ पर मुझे मिल गया कि बस अभी समर्पण करना है तो इन्हीं के चरणों में करना है और जीवन जीना है तो इन्हीं के चरणों में जीना है।
मार्सा ने तब समझाया कि अब तो 2 महीने 15 दिन के बाद पापा का फोन आता है कि क्या हुआ, लेने आओ, मेरी नहीं 2-3 दिन रुक जाओ फिर आती हूँ। ऐसे दो तीन दिन करते करते मैं लगभग 2 से 2.5 महीना मार्सा के पास रुकी उस टाइम पर, और वहाँ से सोच के निकली थी कि बस अब नेक्स्ट टाइम जब आऊँ तब मैं मुहूर्त लेके ही जाऊँगी। तो शायद ये बात मेरी परमात्मा ने उसी टाइम सुन ली कि इसने सोचा है सेकेंड टाइम जाऊँगी जब मुहूर्त लेके जाऊँगी। हुआ ऐसा ही, जब सेकेंड टाइम मेरा जाना हुआ उनके पास, तब मेरे 2 कल्याण मित्र की दीक्षा थी वहाँ पर। पापा दीक्षा देखने आए थे और एक दिन पहले ही सब फाइनल हो गया था, जब बड़े मार्सा आचार्य मार्सा के पास लेकर गए, आज्ञा हो गई, सब हो गया, और मुझे ये चीज़ की पता ही नहीं कि मेरी दीक्षा की आज्ञा हो गई है। दूसरे दिन मार्सा मुझे सिर्फ स्टेज पे बुलाते और बोलते हैं कि आचार्य मार्सा एक मुमुक्षु का नाम लेंगे तो खड़ी हो जाना। मेरे मुमुक्षु तो सभी होते हैं, मोक्ष की अभिलाषा तो सभी को है, दीक्षा के भाव है, तो उठ जाऊंगी। पर उस टाइम पे हमारे सम्यक रत्न मार्सा ने जो माहौल क्रिएट किया तो ऐसा लग रहा था कि मेरी दीक्षा का मुहूर्त ही हो गया है। उस टाइम पर मेरी आज्ञा हुई 25 मई 2022 को, बस उस टाइम से मेरा यह सफर स्टार्ट हुआ। पर मेरे वैराग्य का एक ही पॉइंट था कि मैं एक एक पचकान द्वारा आगे बढ़ी। पचकान से मैं आगे बढ़ी, पचकान में एक थी प्रभु भक्ति। मार्सा के अंदर था कि रोज 15 से 20 मिनट तो भी प्रभु की भक्ति करनी है हम लोगों को। तो मुझे भी आनंद आने लगा, नए नए स्तवन स्तुति सीखे हुए थे, प्रभु के सामने जाके गा के आ जाना, क्योंकि उस टाइम पे प्रभु क्या है वो पता ही नहीं था, प्रभु से बातचीत कैसे की जाती है वो भी नहीं पता थी। पर धीरे धीरे करते करते ऐसे ही मेरा प्रभु से संपर्क बढ़ता गया, और प्रभु कब मेरे हो गए मुझे पता ही नहीं चला। बस उस टाइम पर मैंने प्रभु के ऊपर समर्पण कर दिया कि बस प्रभु जो रास्ता दिखाएंगे मैं उसी रास्ते पर चढ़ूंगी। तो प्रभु जिस रास्ते पर चले हैं, जिस रास्ते पर तीर्थंकर परमात्मा चक्रवर्ती ऐसे अनेक आत्मा चलकर तीर गए, ऐसा संयम जीवन, इसे संयम जीवन की भावना भावना भाते 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 आज मेरी वो भावना पूर्ण हुई, और कल मुझे कर्म रस को हरने वाला रजोहरण मिलने वाला है।